फाइनली इफ्तारी बन चुके हैं। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इरफान एंड सना व्लॉग। सो कैसे हैं आप सब लोग? सो आ चुके हम हमारे अगले व्लॉग के साथ, और ये व्लॉग है कि हम आज देने वाले हैं इरफान को ईदी। ईदी के साथ साथ मैंने ये भी सोचा है कि मैं इरफान को एक पूरा अपने हाथों से इफ्तारी बना के दूँ, बिकॉज मैं वहाँ पे रहती नहीं हूँ। सभी लोगों को पता है, पिछले व्लॉग में हमने बोला था कि रुख्सती नहीं हुई है मेरी, तो मैं वहाँ पे रहती नहीं हूँ, मैं ज्यादा कुछ बनाती नहीं हूँ। तो इरफान मुझे हमेशा बोलते रहते कि कुछ बना के ला के दो, कुछ बना के ला के दो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कल उनको पूरी इफ्तारी बना के दे दूँ, बहुत खुश हो जाएंगे वो मेरे से। सो कल पूरी इफ्तारी भी मेरी तरफ से रहेगी उनके लिए। मैंने अम्मी को भी बोल दिया कि इफ्तारी नहीं बनाने के लिए, सो पूरी इफ्तारी भी कल मैं बनाऊंगी। और आज हम उनके लिए बनाएंगे ईदी। ईदी का एक पूरा ऐसा एकदम प्रॉपर ईदी जो रहती है ना लड़के लोग के लिए, कुर्ता फिर शर्ट वगैरह जो भी रहता है, मुझे तो पता नहीं है क्या क्या होता है, मैंने इंस्टाग्राम पर दो तीन ऐसे वीडियोस देखी हूँ। सो मैंने सेव करके रखी थी, मैं वापस से वो सारे वीडियोस देखूंगी और मैं देखूंगी कि ईदी में क्या क्या रहता है। सो अभी मेरी इफ्तारी हो गई है और अभी मैं नीचे जाऊंगी मार्केट में और जाके देखूंगी कि क्या लेना है, कैसे लेना है, कहाँ से लेना है, और मैं आप लोगों से मिलती हूँ मार्केट में। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने इरफान के लिए ले ली हूँ। परफ्यूम लेना था, कपड़ा लेना था, जो भी मतलब ईदी में हम लोग डालते हैं वो सारा सामान इरफान का मैंने ले ली हूँ। और अब जा रही हूँ अपने घर में। सो अभी आ गई हूँ मैं सारा सामान लेके, और आयशा को भी लेकर आई हूँ अपने साथ। मेरी पार्टनर हमेशा हर चीज़ों में मेरा ये साथ देती है, तो इसको भी साथ में लेकर आई हूँ। सो अभी पैक करूँगी इरफान के लिए सारी चीज़ें। तो अभी यहाँ पर मैंने इरफान के लिए सारा सामान लेकर आ गई हूँ। तो सबसे पहले है इरफान के लिए वाला कुर्ता। तो मैंने स्पेशली ये इसलिए लिया बिकॉज मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम डार्क कलर। इरफान के पास सैरी नहीं, मोहम्मद अली रोड गए थे तो हमने सोचा था कि वहाँ पे खरीदेंगे, बट इतनी गर्दी तो हम नहीं खरीद पाए थे। तो मैंने इसके लिए इरफान के लिए कुर्ता डार्क ग्रीन कलर का, और ये पर्स है, और इसमें है खजूर। तो मेरी मम्मी उमरा से आए थे तो उन्होंने खजूर लाए थे, इरफान को खजूर बहुत पसंद है। तो ये खजूर है, ये टोपी है, ये परफ्यूम है, ये उनका फेस वॉश है, ये रुमाल है, ये एक चॉकलेट का पैकेट है, और ये एक फेस मास्क है। उनको फेस मास्क नहीं कहते, ये फेस मास्क मैं लगाती हूँ, मैंने उनको भी दिया है। और मेरे पास ये वाली बास्केट है। तो ये बास्केट ना मुझे मेरे ना शादी में मिली थी, फ्रूट्स वगैरह इन सब डाल के दिए थे। तो मैंने सोची थी कि मैं एक हैम्पर बनाऊंगी खास, लेकिन फिर मम्मी ने बोले कि ये वाली बास्केट है तो एक काम कर इसमें देख ले, पर अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो अपन बाहर से हैम्पर बनवा लेंगे। तो ये फाइनली इरफान का ईदी जो है वो तैयार हो चुकी है, इसमें सब कुछ आ चुका है। सो अच्छा लग रहा है देख के, कल इरफान भी देख के बहुत खुश हो जाएंगे। इसको बहुत सारी तैयारी भी करनी है, सो अभी वो सब तैयारी सुबह उठ के करूँगी। सहरी का टाइम भी हो चुका है तो सहरी करके ही सो जाऊँगी, सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए उठूँगी और सहरी करके सो जाऊँगी, फिर सुबह में उठूँगी भाई का सब काम करने के लिए। तो सुबह हो चुकी है और सुबह के बज रहे हैं 12। मैंने 10 बजे से अलार्म लगाई थी कि मैं 10 बजे उठ जाऊंगी बिकॉज मुझे मार्केट जाना था सामान लेने के लिए, और 12 बज चुके हैं, मैं अभी उठी हूँ। मतलब यही सोची थी कि 5 मिनट कर करके करके 12 बज गए। सो एकदम फटाफट सब काम करना पड़ेगा, और दूसरी बात मेरे फ़ोन में चार्जिंग भी नहीं है। तो अभी मैं बाजार से आई हूँ वापस घर पे। बाप रे, इतना ज़्यादा गर्म है नीचे, इतना ज़्यादा गर्म है, एक तो रोज़े में ऊपर से इतना ज़्यादा गर्म हाल हो गया मेरा। तो मतलब सैल्यूट है अपनी मॉम्स को जो लोग रोज़ नीचे जाते हैं बाजार लेते, इतनी धूप में हमारे लिए जाते। मैं तो पहली बार गई थी ऐसे बाज़ार लेने के लिए, बट मेरी मम्मी तो कितनी बार 2-3 बार ऐसे जाते ही रहते नीचे बाज़ार लेने के लिए। सो सैल्यूट है यार उन लोगों को, वो लोग इतनी मेहनत करते हैं। सबसे पहले बनाने जा रही हूँ कस्टर्ड, बिकॉज कस्टर्ड को ठंडा खाएंगे तो ही अच्छा लगेगा। सो मैंने सोची कि सबसे पहले कस्टर्ड बना के रख देती हूँ फ्रिज में, बिकॉज इरफान को कस्टर्ड बहुत पसंद है। कस्टर्ड भी बना चुकी हूँ, कस्टर्ड भी आयशा भी मेहनत कर रही है अपने जीजू के लिए। तो मैं ना यहाँ पर ना फैन ऑन करके ही सब काम कर रही हूँ, गैस चालू है इधर पे और ऊपर फैन भी चालू है, बस मुझे बहुत गर्म हो रहा था, मैं कभी नहीं हो पा रहा हूँ इधर से, तो मैं फैन भी ऑन रखती हूँ और गैस भी ऑन रखती हूँ। क्या कर रही थी? ये मैं काट रही हूँ बटरफ्लाई चिकन के लिए, बटरफ्लाई
ये बटरफ्लाई है विंग्स होएगा उसके, पता नहीं कुछ तो भी करेंगे, आई होप अच्छे से बने। तो हाथ से क्यों काट रहे हो? क्योंकि ये हमारे उसका मेन इंग्रेडिएंट है और ये थोड़ा सा जैसे गलत कट गया, ये साइड से मोटा कट गया, ये साइड से पतला कट गया, तो ऐसे ना कटे इसलिए मैं एकदम ध्यान से काट रही हूँ, बिकॉज फिर कहीं से पक जाएगा और कई साइड से नहीं पकेगा, इसलिए अभी देखो एकदम परफेक्ट ये स्लाइसेस एकदम परफेक्ट आए, ऐसे करना है अच्छे से ज्वाइन करना है और एकदम रेड को इसे अच्छे से बेलना है। जिस पे आपको गुस्सा आता है उसका मुंह समझ के उसे दीदी को किस पे गुस्सा आता है? मुझे किसी पे भी नहीं आ रहा है, तो जिस पे भी आपका गुस्सा आता है ऐसे करने का। अब आयशा उतर गई है मैदान में, किसको समझ के कर रही है आयशा? मुझे आ रहा है गुस्सा। किस पे आ रहा है? क्यों? बहुत परेशान कर रही है। अच्छा जीवाल दीदी नहीं तो सानिया दीदी, सानिया दीदी पे गुस्सा आ रहा है। सानिया तो ये ब्रेंच हमारे यहाँ पे रेडी, ऐसे कोई भी शेप ग्लास तो मैंने ऐसे लिया है, आपके पास अगर कोई भी कटर या कोई भी शेप है तो उसका आप शेप बना सकते हैं और ये ऐसे हो जाएगा। नाउ आयशा इज ट्राइंग। तो ये चिकन में मैं दो चीजें बनाने वाली हूँ, एक तो जो बटरफ्लाई चिकन है वो बनाऊंगी और एक जो चिकन साटे वो बनाऊंगी। तो मैंने पैन में बटर डाला है, इसको मैं डीप फ्राई नहीं करूंगी, मैं इसको ना ऐसी पैन में रख के ना उस पर करूंगी, फ्राई नहीं करूंगी, बस फ्राई में बहुत रोस्ट करूंगी यार रोस्ट। तो मैं यहाँ पे बनाई थी चिकन साटे लेकिन ये बन गया चिकन मंचूरियन, सो थर्ड डिश का नाम है चिकन मंचूरियन। सो ये पता नहीं कैसे तो ये आलू टूट गया है, चलता है कैसे आलू टूटता है? तो हाँ में तो चलता है ना, एकदम पतले पतले काटने को इतना ध्यान नहीं। ओ नो 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 बहुत ज्यादा हो गया तो वो थे ना टाकोस, टाकोस हाँ वैसे लग रहे मुझे, वैसे लग रहे थे। ब्रेड क्रम्स, ब्रेड तो अभी ये करेंगे, तो ये वही वाले ब्रेड क्रम्स है जो कॉर्नर्स बच गई थी, तो कॉर्नर्स को हमने जुगाड़ दिए, ये एग है पीस लिया हाँ, और ये एग है वो जो फ्राई किए थे वो ऐसे ये बने हैं कचौड़ी टाइप, इसको हाँ कचौड़ी टाइप, तो इसको अपन ऐसे कट करेंगे, चलो ऐसे खुला और मैं उसको उसको उसमें भर देंगे। यस, और जो ये हमने ये बनाए हैं बना के रखी है चिकन का है और इसको इसमें फिल कर देंगे ऐसे, इंटरेस्टिंग ना, बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है। बटरफ्लाई चिकन है दीदी, ये चिकन उड़ेगा क्या दीदी? अभी सही टाइम में उड़ेगा। सो ये माधुरी दीदी है, माधुरी दीक्षित है, दीक्षित माधुरी दीक्षित, हाय करो सबको हाय। तो ये हम लोग के घर में काम करते हैं, ये बटरफ्लाई उड़ी 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 उड़ी। सो मम्मी को ऐसा लग रहा था कि मैंने वो जो बनाई थी यहाँ पे कल रात में बैठ के वो बहुत बेढंगे तरीके से बनाई थी, तो अभी मम्मी एकदम अच्छे से बैठ के बना रहे हैं। अभी ये बास्केट तैयार किए हैं मम्मी ने जो कि बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, मैंने जो की थी वो सब सामान नीचे था और मम्मी ने इसके अंदर पहले नीचे न्यूज़पेपर डाले हैं और सामान को थोड़ा सा ऊपर किए, तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे तेल वेल से बहुत डर लगता है, मुझे लगा कि ये गिर जाएगा। क्या करके रखी है? पानी में डालने का था ना बटाटे को, बटाटे पूरे काले हुए ये। देखा आपने लापरवाही का नतीजा, वो तो गए ना अभी पूरे काले हो गए बटाटे, इसको पानी में डालने का था जब से, और वो सब चिकन फ्राई होने के लिए रखना, उसको खाने के लिए रखा हुआ है वो। हाँ ये सब क्या इधर, ये कितना पसा रहा है सना ये। यही नहीं अभी और सुनिए, ऐसे ही होता है सब उठा है सब, मम्मी लोग की मदद करो ना काम करने में तो मम्मी लोग ये बोलते करना नहीं चाहिए, तुम्हारी मदद ही नहीं करनी चाहिए थी मेरे को, मैं सोची अच्छा खासा बना लेती हूँ आज इफ्तारी, तुम फ्री हो जाओ किचन का सत्यानाश हो गया, चलो करो। अब वो काहे के लिए स्प्रिंग, वो काहे के बाय काहे के लिए लाई थी वो? बस उतना ही काम था, हो गया लाओ इधर। म्यूट में बोल के चले गए, एक तो कुछ सुनाई भी नहीं दिया मुझे क्या बोले, ये सब कहकर मसाला कहकर खुला पड़ा मसाला?
मम्मी लोग आके ये कर रहे हैं, मम्मी लोग को छुट्टी मिलेगा ही नहीं। निकाली थी कुछ भी ज्यादा है ना। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? फाइनली स्टाइल बन चुके हैं। मैं बताती क्या क्या है। ये कस्टर्ड है, ये बटरफ्लाई है, चिकन है, ये है पता नहीं ब्रेड का तो कचौरी टाइप बोल सकते हैं। हाँ, कचौरी बोल सकते हैं। ये है नूडल्स और ये है चिकन मंचूरियन। देखो आप देखो इसको। तो यहाँ पे हमारी जाने की तैयारी हो चुकी है। आज रोज दिखा जो भाई के लिए लिए और ये जीस के लाइशा के ने रोज लिया है। सभी बस निकल रहे हैं। हे गाइस, तो मुझे सना का भी फ़ोन आया था। मैं ऑफिस से जस्ट घर आया तो सना का मुझे फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि मैं घर आ रही हूँ तो ब्लॉग स्टार्ट करना। अब मुझे पता नहीं कि क्या ब्लॉग है और क्या करना है, बट अब जैसा उन्होंने बोला तो मुझे करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या है? अंदर नहीं बुलाओगे, बाहर से ही सब पूछोगे। आशु ये ऐसे ऊपर क्यों पकड़ी है? मेरे को नीचे बुला रही थी ना, मैं आ जाता मेरे लिए। सब तुम्हारे लिए। तुम्हारी दीदी आई है, तुम्हारे ससुराल से तुम्हारी दीदी आई है। पैसे नहीं है। कितना बेकार हो ना। कितने पैसे? कितने? 500 रुपए, 501 था हमारे यहाँ, फिर अभी बढ़ा दिए रेट महंगाई के हिसाब से। 51 चाहिए था। 50,000 इनको ये सब नहीं चाहिए, इनको पैसे चाहिए। ये सब जो बना के लाई वो सब नहीं चाहिए, सब तुम बना के लाई हो। अच्छा, जब से तुम ये मेहनत कर रही हो, मैं फोन पे फोन भी कर रहा था, तुम ये बोल रही हो कि मैं लेटी हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। मुझे लगा कि तुम कुछ तो ट्राई कर रही हो। अरे मुझे फोन पर फोन करो, मेरे को इतना इरिटेट हो रहा था ना। मुझे लगा कि तुम कुछ ना कुछ कर रही हो, वरना मैं ऑफिस से घर आता हूँ ना, तुम परेशान करना चालू कर देती हो। अच्छा लगा? बहुत अच्छा है। थैंक यू। फूलमती क्या बने हो? ये जरूरत इसकी थोड़ा टाइम हो गया था, इसकी जरूरत थी। वो मेरे पास रहेगा, उसमें सब सामान तुम्हारा रहेगा, लेकिन वो मेरे पास रहेगा। इसका मतलब ही नहीं कि पैसे तुम्हारे पास रहते मेरे से, ये क्या करूँगा इसका। ये कुर्ता कलर चॉइस मेरी है। ये तो स्कीम थी, ये तो तुमको फंसाने की स्कीम थी। इसमें सब थोड़ा ये सब जो खाली एक चप्पल दे दूंगा बस, इसमें ऐड कर दी। ये तुमको फंसाने की स्कीम थी कि पहले मैं दूं, फिर इससे ज्यादा महंगा तुमसे ले लूं और ज्यादा महंगा ले लूं। ओ आया है क्या बराबर? हां थोड़ा सा लंबा है, उसको चेंज करो। छोटा टाइट है ना, हाथ से टाइट है ना। हाँ चलो ठीक है, चेंज करवा देंगे। कैसे बनाया था सब कुछ? बहुत अच्छा बनाया था यार, इतना अच्छा बना था। मुझे लगा था कि इतनी सारी चीजें बनाएंगी तो कुछ ना कुछ तो मतलब थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, और सब कुछ अच्छा बना था। चिकन का वो क्या था, वो कीमा, चिकन का पेटेस, फिर कस्टर्ड, सब बहुत अच्छा था। माशाल्लाह मानना पड़ेगा यार, एक मतलब ऐसा जिंदगी में पहली बार लग रहा था तुमसे शादी करके कुछ अच्छा काम किया, पेट तो भरेगा अच्छा। अरे वो ऐसे बोलते ना कि पति का दिल के रास्ता पति के पेट से होते हुए गुजरता है, तो मैंने वो पेट वाला रास्ता अपनाया मैंने। पास हो गया तो फिर बस यही, इसी के साथ हमारा व्लॉग यहीं पर ही ख़त्म होता है। मैं तो बस 5 मिनट के लिए आया था यार, स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस थी मेरी तो। पर ठीक है, कुछ नहीं, आई होप आप सबको मज़ा आएगा इंशाल्लाह वीडियो देखने में। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट व्लॉग कौन सा चाहिए। हम इंशाल्लाह हर बार कोशिश करते हैं कुछ नया लेके आए,
भले थोड़ा वक्त कम होता है बट फिर भी हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको एंटरटेन करें और आपसे जुड़े रहें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो और अच्छा लेके आएंगे, बस आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए नेक्स्ट। और तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और दुआ में याद ज़रूर रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय।